अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हमने पढ़ना है वो कुछ क्वेश्चंस हैं। किससे रिलेटेड क्वेश्चन है? हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और ये आज का जो हमारा लेक्चर है वो सेकंड लास्ट लेक्चर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा आखिरी लेक्चर होगा हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है? इस क्वेश्चन में हमने अल्फा की जगह अल्फा रखना है, बीटा की जगह बीटा ही रखना है, लेकिन गैमा की जगह हमने थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। क्या चेंजिंग करनी है? गैमा की जगह हमने पुट करना है बीटा माइनस अल्फा प्लस वन, और यहाँ पे जो एक्स है एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे? माइनस वन। अगर हम गैमा की जगह ये वाली वैल्यू पुट करें और एक्स की जगह माइनस वन पुट करें तो हमारे पास जो रिजल्ट बनता है वो ये है, बीटा माइनस अल्फा प्लस वन गैमा, बीटा प्लस वन गैमा, बीटा बाई टू प्लस गैमा प्लस वन गैमा, बीटा बाई टू माइनस अल्फा प्लस वन गैमा। ये हमने ये रिजल्ट बनाना है इससे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने इसको यूज करना है, यानी कि हमने इंटेग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ रखा है, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम यहाँ पर अल्फा की जगह अल्फा, बीटा की जगह बीटा, तो गैमा की जगह ये चेंजिंग करेंगे, गैमा की जगह ये चेंजिंग करेंगे और एक्स की जगह ये चेंजिंग करेंगे, और फिर उस रिजल्ट को हम यूज करते हुए ये वाला रिजल्ट कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम जानते हैं, प्रूफ में देख लेते हैं या सॉल्यूशन कह लें आप, बाय इंटेग्रल रिप्रेजेंटेशन एच है हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन, और वो क्या थी? वो थी एफ अल्फा बीटा गैमा एक्स, और इधर हमारे पास क्या था? इधर था हमारे पास गैमा ओवर बीटा, फिर क्या था? गैमा माइनस बीटा, जीरो टू वन टी रेज टू द पावर बीटा माइनस वन, वन माइनस टी रेज टू द पावर गैमा माइनस बीटा माइनस वन, ओके। और यहाँ पे था वन माइनस एक्स टी रेज टू द पावर माइनस अल्फा डी टी। ये थी हमारे पास क्या? इंटेग्रल रिप्रेजेंटेशन। अब हमें यहाँ पे गैमा की जगह ये रिजल्ट पुट करना है, इसकी ये वैल्यू पुट करनी है, और एक्स की जगह यहाँ पे माइनस वन पुट कर देना है। तो पुट करते हैं हम, पुट गैमा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा प्लस वन एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। आप इस इक्वेशन में, अगर मैं कहूँ इक्वेशन नंबर वन, इसमें पुट कर देते हैं, गैमा की वैल्यू हमने पुट कर देनी है और एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है, तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड तो कंप्लीट बन जाएगी, अल्फा बीटा बीटा माइनस अल्फा प्लस वन और यहाँ पे माइनस वन, तो ये साइड तो हो गई कंप्लीट, ठीक है। सॉरी, यहाँ से ये साइड तो हमने कंप्लीट कर ली। अब राइट हैंड साइड पे आ जाए, गैमा है, गैमा की जगह हमने क्या पुट करना है? बीटा माइनस अल्फा प्लस वन ओवर बीटा एज इट इज, गैमा गैमा की जगह क्या पुट करना है? बीटा माइनस अल्फा प्लस वन माइनस बीटा, ओके। यहां पर हमने गैमा की वैल्यू पुट कर दी है, जीरो टू वन टी रेज टू द पावर बीटा माइनस वन एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है? गैमा, तो वन माइनस टी, गैमा की वैल्यू क्या है? बीटा माइनस अल्फा प्लस वन माइनस बीटा माइनस वन माइनस बीटा माइनस वन, और साथ में है वन माइनस एक्स की वैल्यू क्या हमने पुट की है? माइनस वन, तो ये हो जाएगा प्लस टी रेस द पावर माइनस अल्फा डी टी, ओके। हमने एक बस क्या किया है, हमने यहाँ पर गैमा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है और यहाँ पर एक्स की वैल्यू को पुट कर दी है, यहाँ पे चेंजिंग की, यहाँ पे हमने गैमा की जगह ये वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पर एक्स की वैल्यू माइनस वन पुट की, तो ये प्लस वन हो गया, ओके। अब आप क्या करें, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं,
ओके लेफ्ट हैंड साइड तो वैसे ही रहेगी, राइट हैंड साइड पे है बीटा माइनस अल्फा प्लस वन ओवर बीटा, और यहां से आएगा बीटा बीटा से कैंसल तो वन माइनस अल्फा, ओके जीरो टू वन ई रेस टू द पावर बीटा माइनस वन और वन माइनस टी रेस टू द पावर बीटा के साथ बीटा वन के साथ वन माइनस अल्फा, माइनस अल्फा वन वन प्लस टी रेस टू द पावर माइनस अल्फा डी टी। ओके अब देखें हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस फार्मूले को हमने यूज करना है वन माइनस टी और वन प्लस टी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं वन माइनस टी स्क्वेयर, क्या लिख सकते हैं हम इसको वन माइनस टी स्क्वेयर। इस फार्मूले को यूज करते हुए हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे बीटा माइनस अल्फा प्लस वन ओवर बीटा वन माइनस अल्फा जीरो टू वन टी रेज टू द पावर बीटा माइनस वन और ये आ जाएगा वन माइनस टी स्क्वेयर और माइनस अल्फा डी टी। ओके यहां तक हम पहुंच गए। अब हमें करनी है थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन करेंगे इस इंटेग्रल में डेफिनेट इंटेग्रल में और फिर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। देखें कहां कहां पे हम सब्स्टिट्यूशन करने लगे हैं, put t square is equal to u, this implies t is equal to u square root और dt क्या बन जाएगा, this implies dt हो जाएगा हमारे पास 1 over 2 u square root और dt। ठीक है, हमने क्या किया हमने पुट किया टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू, यहाँ पर हमने टी स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दिया, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं यू पुट किया है, यू पुट करने के बाद हमने उसको थोड़ा सिंपलीफाई किया डेरिवेटिव लिया, डी टी की जगह हम क्या पुट करेंगे डी यू ओवर टू इंटू यू स्क्वायर रूट या स्क्वायर रूट यू पुट कर देंगे और फिर इसको हम क्या करेंगे सिंपलीफाई करेंगे। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है बीटा माइनस अल्फा प्लस वन है ओवर बीटा वन माइनस अल्फा। ओके नेक्स्ट क्या है हमारा, सॉरी अभी हमने इसकी देखें यहाँ पे हमने पुट किया टी स्क्वायर यू, यहाँ पे आया टी यू, अब यहाँ पे जब टी हमारे पास था तो टी जीरो था, टी इक्वल टू जीरो दिस इंप्लाइज यू इज इक्वल टू, यहाँ पे जब आप जीरो पुट करेंगे तो यू भी जीरो, इसकी लिमिट्स को चेक कर लेते हैं, और यहाँ पे टी अगर वन पुट करेंगे टी इज इक्वल टू वन तो u इज इक्वल टू वन, क्योंकि जब आप यहाँ पे वन पुट करेंगे तो स्केयर लेंगे तो तब भी u वन रह जाएगा, t जीरो था u भी जीरो, t वन था तो u भी वन, यानी कि लिमिट्स में कोई चेंजिंग नहीं है, तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। यहाँ पे आ गया आपके पास जीरो टू वन t की जगह बीटा माइनस वन। ओके अब यहाँ पे है वन माइनस टी स्क्वायर तो ये आ जाएगा वन माइनस यू माइनस अल्फा और इसकी जगह हम लगा सकते हैं डी यू, डी यू ओवर टू यू। ठीक है, हमने डी टी की जगह ये वैल्यू पुट कर दी है, वन माइनस टी स्क्वायर था तो वहां पे यू पुट कर दिया और ये स्क्वायर रूट यू एज इट इज आ गया। ओके यहां तक कोई समझ ना आई हो, आसान है बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट अब हम करने लगे हैं इसको, इसको मैं रेज कर देता हूं। ओके यहां से देखें आप बीटा माइनस अल्फा प्लस वन ओवर बीटा वन माइनस अल्फा ओके जीरो टू वन। अब देखें ये टू हम निकाल लेते हैं बाहर,
ये टू कांस्टेंट है, ये मैंने बाहर निकाले इंटीग्रेशन से, ये स्केयर स्केयर रूट यू है और ये भी स्केयर रूट यू है, ये क्या है, ये भी स्केयर रूट यू और ये भी स्केयर रूट यू है, दोनों मिलके आंसर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। ठीक है, जब वन आ जाएगा तो पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर बनेगा, माइनस वन, क्या आंसर बनेगा, माइनस वन। तो हमारे पास यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, ओके, स्केयर रूट यू और यहां पे आ जाएगा बीटा माइनस वन, सॉरी माइनस टू और माइनस वन, और यहां पे आया वन माइनस यू, और यहां पे मैं लिख सकता हूं वन माइनस अल्फा प्लस वन, सॉरी माइनस वन, ओके, और ये रह गया डी यू। अब इसको समझें, देखें यहां पे था हमारे पास स्क्वायर रूट यू और इसकी पावर थी बीटा माइनस वन, और हमारे पास यहाँ पे है स्क्वायर रूट यू और इसकी पावर क्या है, वन है, यानी कि आप अगर इसको ब्रैकेट लगाए तो इसकी पावर वन है, ये ऊपर जाएगी तो माइनस वन हो जाएगी, वही माइनस वन किया, इसको स्क्वायर रूट यू ही लिखा है, ओके। फिर है वन माइनस यू एज इट इज, वन एड किया और वन सब्ट्रैक्ट किया, बाकी एज इट इज, और डी यू आ गया क्योंकि टू हमने ऑलरेडी बाहर निकाल दिया, ओके। अब इसको रेज करता हूं मैं और फिर आपको मजीद समझाता हूं आगे। देखें यहां से हमारे पास क्या आ गया, बीटा माइनस अल्फा प्लस वन ओवर टू बीटा वन माइनस अल्फा, ठीक है। अब देखें यहां पे जीरो टू वन, ये स्केयर रूट यू, यानी कि अगर हम इसको स्केयर रूट को खत्म करें तो हमारे पास क्या बनेगा, यू रेज टू द पावर बीटा, सॉरी बीटा माइनस टू ओवर टू, यही बनेगा, ओके, वन माइनस यू रेज टू द पावर वन माइनस अल्फा माइनस वन डी यू, ओके। स्केयर रूट खत्म किया तो वन बाई टू मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ, तो ये टू बीटा माइनस टू ओवर टू, तो ये टू इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहां से हमारे पास आया बीटा माइनस अल्फा प्लस वन ओवर बीटा, टू है वन माइनस अल्फा है जीरो टू वन है, तो ये आ जाएगा हमारे पास यू बीटा बाई टू माइनस वन, बीटा के बाद बीटा के नीचे टू आएगा तो बीटा बाई टू माइनस टू बाई टू वन आ जाएगा, तो वन माइनस यू रेज टू द पावर वन माइनस अल्फा माइनस वन डी यू। अब हम यहां पर एक रिजल्ट यूज करेंगे, कौन सा रिजल्ट यूज करेंगे, हम ये रिजल्ट यूज करेंगे बीटा एम एन इक्वल होता है जीरो टू वन टी रेज टू द पावर एम माइनस वन, वन माइनस टी रेज टू द पावर एन माइनस वन डी टी, ओके। ये यू ये टी, ये वन माइनस यू ये वन माइनस टी, पावर क्या है एम माइनस वन, एम माइनस वन, इसको हम एम कंसीडर कर लेते हैं, वन माइनस यू वन माइनस टी, यहाँ पे है एन, तो यहाँ पे क्या है वन माइनस अल्फा माइनस वन, तो हम इस पूरे को एन कंसीडर कर लेते हैं, जब इसको n कंसीडर करेंगे इसको m कंसीडर करेंगे तो ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन बनेगी, बीटा की डेफिनेशन बन जाएगी, जब बीटा की डेफिनेशन बन जाएगी तो हम इस रिजल्ट को यूज करते हुए इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आया हमारे पास बीटा माइनस अल्फा प्लस वन ओवर टू बीटा और वन माइनस अल्फा, ठीक है, और इधर है हमारे पास बीटा बीटा बाई टू माइनस वन और यहां से आया वन माइनस अल्फा, लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं, ओके। तो अब इसको मैं रेज करने लगा हूं, क्या करने लगा हूं, रेज, सॉरी यहां पे भी माइनस वन नहीं है, सॉरी, ठीक है, ओके। हमने एक और रिजल्ट भी पढ़ रखा है, वो कौन सा है, वो है हमारे पास बीटा
एम एन इक्वल होता है एम गैमा ओवर एम प्लस एन गैमा। इस रिजल्ट को यूज करते हैं हम, इसको अब चेंज करके लिखेंगे इस फॉर्म में। तो यहां पे हमारे पास क्या बनेगा, यहां पे बनेगा बीटा माइनस अल्फा प्लस वन ओवर टू बीटा वन माइनस अल्फा। ओके, अब इसको लिख सकता हूं मैं क्या, बीटा बाय टू ओके वन माइनस अल्फा ओवर बीटा बाय टू प्लस वन माइनस अल्फा। ओके, यहां तक हम पहुंच गए। अब हमें थोड़ा सा और रिजल्ट बनाना है, क्योंकि यहां पे हमें क्या चाहिए, बीटा बाय टू प्लस वन गैमा, और यहां पे हमें चाहिए बीटा प्लस वन गैमा। तो यहाँ पे टू एक्स्ट्रा है, वन माइनस अल्फा और वन माइनस अल्फा, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको मजीद थोड़ा सा और मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हम अपना रिजल्ट पूरा कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको बीटा से मल्टीप्लाई करता हूँ और बीटा से डिवाइड कर देता हूँ। बीटा माइनस अल्फा प्लस वन ओवर टू बीटा, ठीक है, ऊपर क्या है बीटा बाय टू ओवर बीटा बाई टू प्लस वन माइनस अल्फा, और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं बीटा के साथ और डिवाइड भी कर रहा हूँ मैं बीटा के साथ। ओके, कोई इश्यू तो नहीं है। ओके, अब क्या करते हैं, अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। देखें, बीटा माइनस अल्फा प्लस वन ओवर बीटा इंटू बीटा, ये बीटा और ये बीटा, ठीक हो गया। अब है हमारे पास बीटा बाई टू और बीटा बाई टू ओवर बीटा बाई टू प्लस वन माइनस अल्फा। ये जो टू था ये इस बीटा के साथ यहाँ पे आ गया, क्योंकि अगर इस टू को नीचे उतारे तो फिर वही फॉर्म बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिजल्ट है। क्या रिजल्ट है, एन प्लस वन गैमा क्या होता है, एन इंटू एन गैमा। तो इसकी मदद से हम क्या लिख सकते हैं, इसकी मदद से हम लिख सकते हैं, हमने रिजल्ट कौन सा यूज किया है, हमने रिजल्ट यूज किया है एन प्लस वन गैमा इक्वल होता है एन इंटू एन गैमा। तो यहां पे हमने वही यूज करना है। तो ये है हमारे पास बीटा माइनस अल्फा प्लस वन ओवर बीटा प्लस वन, यहां पे आ जाएगा बीटा बाई टू प्लस वन, और नीचे है बीटा बाई टू प्लस वन माइनस अल्फा। और यही हमने रिजल्ट प्रूव करना था, एफ अल्फा बीटा और हमारे पास क्या था, गैमा माइनस बीटा माइनस अल्फा माइनस वन, बीटा माइनस अल्फा प्लस वन, और यहाँ पे माइनस वन था, और ये हमने रिजल्ट प्रूफ कर लिया। ठीक है, यही रिजल्ट हमने बनाना था और ये रिजल्ट हमने बना लिया। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, उसको देख लेते हैं, इसको मैं रेज कर देता हूँ। ये है हमारे पास f 1 बाई टू 1 p बाई टू और है x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ओके, ये है हमारे पास tan इनवर्स x और x, ये हमने प्रूफ करना है। अल्फा की जगह 1 बाई टू पुट करना है, बीटा की जगह 1 पुट करेंगे, गैमा की जगह हम 3 बाई टू पुट करेंगे, और एक्स की जगह हम पुट करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट बनना चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाए किसके, राइट हैंड साइड के, तो हमारा रिजल्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो हम सोल्यूशन में देख लेते हैं, सोल्यूशन क्या है हमारे पास, बाई डेफिनेशन ऑफ
हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन एच एफ, और ये क्या होता है, ये होता है एल एफ एल्फा बीटा गैमा एक्स इक्वल है समेशन एन जीरो टू इंफिनिटी, एल्फा एन है बीटा एन है ओवर गैमा एन एक्स पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल। ओके, अब हमने अल्फा की वैल्यू पुट करनी है, बीटा की पुट करनी है, गैमा की पुट करनी है और इस एक्स की भी वैल्यू पुट करनी है, और वो क्या क्या वैल्यूज हैं ये हमें जानते हैं, 1/2 1/3/2 और माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट अल्फा इज इक्वल टू 1/2, बीटा इज इक्वल टू 1, गैमा इज इक्वल टू 3/2 और एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको अब पुट करते हैं और इस सीरीज को अगर हम एक्सपेंड करें तो हमारे पास क्या आता है रिजल्ट, ये आता है 1 प्लस अल्फा बीटा ओवर गैमा एक्स, फिर क्या आता है प्लस अल्फा इनटू अल्फा प्लस 1 बीटा इनटू बीटा प्लस 1 गैमा इनटू गैमा प्लस 1 एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। यहाँ पर इन सारी जगहों पर अल्फा की जगह 1/2 पुट करेंगे, बीटा की जगह 1 पुट करेंगे, गामा की जगह 3/2 पुट करेंगे, एक्स की जगह माइनस एक्स स्क्वायर पुट करेंगे। देखें तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस अल्फा की जगह 1/2, बीटा की जगह 1 और गामा की जगह 3/2, ये हमने पुट कर दिया। अब रह गया एक्स, तो एक्स की जगह हमने क्या पुट करना है, माइनस एक्स स्क्वायर ये पुट कर दिया। ठीक है, अब देखें अल्फा की जगह 1/2 है, 1/2 प्लस 1 बीटा 1, 1 प्लस 1 ओवर 3/2 3/2 प्लस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस सो। ओके, वन तो वन आ जाएगा, वन 1/2 3/2 1/2 और 3/2 और ये माइनस, यहां पे तो आ गया माइनस, ये 1/2 है और ये 1 है तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर रह गया 1 नीचे रह गया 3x2। ओके, नेक्स्ट देखें 1/2 1/2 ये 3/2 है, इसको हम लिख लेते हैं अभी 1/2 इंटू 3/2 इंटू 2 है ओवर 3/2 और इंटू क्या है 5/2 और जहां से आएगा माइनस है तो ये एक्स 4/2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। अब देखें एक 2 के साथ 2 गया, इस 2 के साथ इस 2 को काट दें, कोई इश्यू तो नहीं है। ओके, ये 2 आप ऊपर ले जाएं, देखें 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3, ये 2 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू ये 3 है ओवर 3 इंटू 5 है और एक्स 4/2 फैक्टोरियल और प्लस सो ऑन। यहां से आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3, ओके 2 के साथ 2, 3 के साथ 3 तो यहां पे रह गया 5 तो ये आया एक्स 4/5 प्लस सो ऑन। और इसको मैं क्या देता हूँ, इक्वेशन नंबर ए, इसको मैं क्या देता हूँ, इक्वेशन नंबर ए दे देता हूँ। ओके, अब हम जानते हैं क्या जानते हैं, वी नो डैट
क्या कि टेन इनवर्स एक्स जो होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री ओके प्लस एक्स फाइव बाई फाइव प्लस वन। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, एक्स से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड्स। तो इसको डिवाइड कर दें एक्स के साथ, इस पूरी सीरीज को एक्स के साथ डिवाइड कर दें, तो हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो है टेन इनवर्स एक्स ओवर एक्स। तो यहां पे आ जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई थ्री प्लस एक्स फोर बाई फाइव प्लस वन, और ये आप कह दें इक्वेशन नंबर बी। सो बाई इक्वेशन ए एंड बी इक्वेशन नंबर ए एंड बी, ए और बी से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एफ वन बाई टू वन थ्री बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल क्या है टेन इनवर्स एक्स ओवर एक्स ओके, और यही रिजल्ट हमने बनाना था ओके। तो आज हमने दो क्वेश्चन किए, ठीक है, तो इन दो क्वेश्चन के बाद अब जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो हमारा लास्ट लेक्चर है अबाउट हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन, हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड लास्ट लेक्चर है। उस लेक्चर में हमने कुमर्स थ्योरम पढ़ना है, और उसके लिए उससे पहले एक हम उसकी इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। जैसा कि हमने इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन पढ़ी है इसकी हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन की, इसी तरह एक और है उसमें एक वर्ड आ जाता है कन्फ्लुएंट हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन, तो उसमें हमने यहाँ जहाँ पर हमारे पास ये बीटा वाली जो टर्म होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, जब बीटा खत्म हो जाएगा तो पीछे रह जाएगा अल्फा गैमा और एक्स, बस बीटा यहाँ से खत्म हो जाता है। तो एफ में बीटा नहीं आता, कैसे नहीं आता, इस तरह नहीं आता कि एफ अल्फा गैमा एक्स लिखते हैं, ये तीन फैक्टर होते हैं, इसमें दो हमारे पैरामीटर और एक वेरिएबल है, एक न्यूमिरेटर में एक डिनोमिनेटर में, तो बीटा यहां से खत्म हो जाता है, इसको हम कहते हैं कॉन्फ्लुएंट हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन। तो जब ये पढ़ेंगे इसकी हमने हाइपर कॉन्फ्लुएंट हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन का सीरीज सॉल्यूशन हम नहीं करेंगे, ठीक है, इसकी सिर्फ जस्ट हमने इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन पढ़ दी है, और उसके बाद कुमर्स थ्योरम उसके उससे रिलेटेड है उसको स्टडी कर लेंगे, और हमारा जो हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड जितने भी हमारे लेक्चर्स है वो कंप्लीट हो गए ओके।